नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ, आपका हमदम, आपका दोस्त। एपिसोड नंबर 5। और आज का प्रश्न बहुत सारे बच्चों के मन का प्रश्न है। बहुत से बच्चों ने प्रश्न ये पूछा था कि सर ये बताइए, क्या NCERT पढ़ने से ही सिलेक्शन निश्चित है? तो मैं आपको कुछ तथ्य बताऊंगा, आप उन तथ्यों को रिलेट कर समझने की कोशिश करिएगा। क्या NCERT ही केवल एक ऐसी बुक है जिससे आप सेलेक्ट हो जाएंगे नीट में, या नहीं हो पाएंगे? पिछले 3 या 4 साल के अंदर, अगर 2017 का पेपर छोड़ दें नीट का, तो बायोलॉजी में 90 क्वेश्चंस आते हैं। 2014 से लेकर 2016 का अगर ट्रेंड देखिएगा तो आपको ये समझ आएगा कि लगभग 50 से 60 क्वेश्चन डायरेक्टली NCERT की कोटेड लाइंस थी। विश्वास ना हो तो एक बार पेपर चेक कीजिएगा, 2014 से लेकर 2016 के 40 से 50 और मैक्सिमम 60 क्वेश्चन तक NCERT की डायरेक्ट लाइंस हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें NCERT से रिलेट करती हैं जिनके आंसर NCERT में नहीं है। उदाहरण के तौर पर सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा होगा, तो गंगा के अंदर लिखा है कि एक वायरस पाई जाती है जो गंगा के वाटर को क्लीन कर सकती है, लेकिन उस वायरस का नाम नहीं दिया है बुक के अंदर। इसका मतलब यह हुआ कि वो NCERT से रिलेट करने वाला क्वेश्चन है, NCERT में उसका आंसर नहीं है, आंसर तो आपको ढूंढना पड़ेगा। तीसरी तरह के एक और क्वेश्चन आते हैं जिनका NCERT +1 और +2 से कोई संबंध नहीं, लेकिन फिर भी अगर 6वीं से लेकर 10वीं कक्षा की अगर आप बायोलॉजी की बुक्स को उठाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं उनके आंसर्स मिल सकते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होगा कि बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे। तो अगर हम ये मानकर चलें कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन और बिल्कुल ही जो NCERT से रिलेट नहीं करते हैं क्वेश्चन, वो ऑलमोस्ट 30-40 नंबर में आएंगे, जिनमें से इनडायरेक्ट क्वेश्चन की मात्रा ऑलमोस्ट 25-30 क्वेश्चन है, और 9-10 क्वेश्चन बिल्कुल NCERT के बाहर से पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि NCERT से नंबर तो लिए जा सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन होना गारंटेड नहीं है। एक और प्रश्न बच्चे ने पूछा था कि सर 2017 में जो पेपर आया उसमें कट ऑफ तो बहुत ज्यादा गई, उसका मूलभूत कारण क्या था? तो मैंने समझाया कि 2017 के अगर पेपर की एनालिसिस करेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो आए थे 2017 के नीट के पेपर के अंदर बायोलॉजी के, वो कुल मिलाकर 65-70 थे। इसका मतलब ये हुआ कि और साल का आंकड़ा अगर देखें तो 10-15 क्वेश्चन डायरेक्टली NCERT के डायरेक्ट क्वेश्चन में बढ़ गए, और इनडायरेक्ट क्वेश्चन की मात्रा जो थी वो ज्यादा हो गई, और बाहर से आने वाले क्वेश्चन बिल्कुल ही नेग्लिजिबल मात्रा में हो गए। तो इस संदर्भ में 2017 का पेपर आप उठाएंगे तो आप देखेंगे कि 65-70 क्वेश्चन डायरेक्ट NCERT की पिकअप लाइंस थी, 12-15 क्वेश्चन इनडायरेक्टली रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, और 5-7 क्वेश्चन ही ऐसे थे जिनका NCERT से कोई लेना देना नहीं था। इसीलिए जिन जिन जोन के अंदर CBSE की बुक्स पढ़ाई जाती थी वहां उन बच्चों की कट ऑफ मार्क्स बहुत ज्यादा चली गई। क्या 2018 में भी ऐसा होगा? मेरा अपना मानना है क्योंकि कट ऑफ मार्क्स बहुत ज्यादा चली गई तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट क्वेश्चन की वेटेजेस ज्यादा होंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि NCERT को पढ़ा ना जाए, क्योंकि NCERT की वेटेज हमेशा से ही
40 और 50 क्वेश्चन की हमेशा ही रहेगी जो डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए गए, लेकिन जो 40 क्वेश्चन इनडायरेक्ट है या तो एनसीईआरटी में उसका जवाब है ही नहीं, ऐसे क्वेश्चनों की मात्रा 2018 में आने वाले नीट में कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि एनसीईआरटी को आप पढ़ते रहें, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस को नोट करते रहें, लेकिन साथ ही साथ दूसरी रेफरेंस बुक को, और ज्यादा रेफरेंस बुक नहीं लेनी है, एक ही रेफरेंस बुक को उठाकर उसमें से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते रहें। और कभी-कभार ऐसा होगा कि क्वेश्चंस के आंसर ही डायरेक्टली आपको याद करने पड़ेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा मार्क करते चलें, क्योंकि वो क्वेश्चन डायरेक्टली ही आएगा, उसके कॉन्सेप्चुअल पोर्शंस आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी बुक्स के अंदर नहीं मिलेंगे। आप डायरेक्टली उन क्वेश्चंस को रिलेट करें और उन क्वेश्चन के आंसर्स वैसे ही याद करने की कोशिश करें। तो 2018 की अगर मेरे से डिफिकल्टी इंडेक्स को पूछा जाएगा तो आई विल से कि मॉडरेट लेवल का पेपर आएगा जिसमें एनसीईआरटी में ऑलमोस्ट बायोलॉजी के पोर्शन में 40 से 50 ही क्वेश्चन डायरेक्ट होंगे, 30 से लेकर 35 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो इनडायरेक्टली रिलेट करते हों, और 5 से लेकर 15 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसके अंदर एनसीईआरटी में उसका आंसर ही अवेलेबल ना हो। इसलिए कहीं ना कहीं कोशिश करिए कि एनसीईआरटी के अलावा एक रेफरेंस बुक बनाइए, और कोशिश करिए कि डेली बेसिस के ऊपर 50 क्वेश्चन बायोलॉजी के सॉल्व करना शुरू कर दें, जिस भी चैप्टर या जिस भी टॉपिक को आप पढ़ते हैं। आप देखिएगा पूरे साल के अंदर जब तक आपका एग्जाम आएगा आप 7 से 8 हज़ार क्वेश्चन कर चुके होंगे, और आप इतने कॉन्फिडेंट होंगे कि 2018 का नीट के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको पक्का से आंसर कर पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी आपके क्वेश्चंस हों उसको कमेंट की फॉर्म में लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उन सब क्वेरीज का जवाब दे पाऊं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ आपका हमदम आपका दोस्त, एपिसोड नंबर 5। और आज का प्रश्न बहुत सारे बच्चों के मन का प्रश्न है। बहुत से बच्चों ने प्रश्न ये पूछा था कि सर ये बताइए क्या एनसीईआरटी पढ़ने से ही सिलेक्शन निश्चित है? तो मैं आपको कुछ तथ्य बताऊंगा, आप उन तथ्यों को रिलेट कर कर समझने की कोशिश करिएगा। क्या एनसीईआरटी ही केवल एक ऐसी बुक है जिससे आप सेलेक्ट हो जाएंगे नीट में या नहीं हो पाएंगे? पिछले 3 या 4 साल के अंदर अगर 2017 का पेपर छोड़ दें नीट का, तो बायोलॉजी में 90 क्वेश्चंस आते हैं। 2014 से लेकर 2016 का अगर ट्रेंड देखिएगा तो आपको ये समझ आएगा कि लगभग लगभग 50 से 60 क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी की कोटेड लाइंस थी। विश्वास ना हो तो एक बार पेपर चेक कीजिएगा, 2014 से लेकर 2016 के 40 से 50 और मैक्सिमम 60 क्वेश्चन तक एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइंस हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें एनसीईआरटी से रिलेट करती हैं जिनके आंसर एनसीईआरटी में नहीं है। उदाहरण के तौर पर सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा होगा, तो गंगा के अंदर लिखा है कि एक वायरस पाई जाती है जो गंगा के वाटर को क्लीन कर सकती है, लेकिन उस वायरस का नाम नहीं दिया है बुक के अंदर। इसका मतलब यह हुआ कि वो एनसीईआरटी से रिलेट करने वाला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में उसका आंसर नहीं है, आंसर तो आपको ढूंढना पड़ेगा। तीसरी तरह के एक और क्वेश्चन आते हैं जिनका एनसीईआरटी +1 और +2 से कोई संबंध नहीं, लेकिन फिर भी अगर 6वीं से लेकर 10वीं कक्षा की अगर आप बायोलॉजी की बुक्स को उठाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं उनके आंसर्स मिल सकते हैं।
लेकिन कभी कभार ऐसा होगा कि बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे। तो अगर हम ये मानकर चलें कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन और बिल्कुल ही जो एनसीईआरटी से रिलेट नहीं करते हैं क्वेश्चन, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30 to 40 नंबर में आएंगे, जिनमें से इनडायरेक्ट क्वेश्चन की मात्रा ऑलमोस्ट 25 से 30 क्वेश्चन है और 9 से 10 क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी के बाहर से पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एनसीईआरटी से नंबर तो लिए जा सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन होना गारंटेड नहीं है। एक और प्रश्न बच्चे ने पूछा था कि सर 2017 में जो पेपर आया उसमें कट ऑफ तो बहुत ज्यादा गई, उसका मूलभूत कारण क्या था? तो मैंने समझाया कि 2017 के अगर पेपर की एनालिसिस करेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो आए थे 2017 के नीट के पेपर के अंदर बायोलॉजी के, वो कुल मिलाकर 65 से 70 थे। इसका मतलब ये हुआ कि और साल का आंकड़ा अगर देखें तो 10 से 15 क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चंस में बढ़ गए और इनडायरेक्ट क्वेश्चन की मात्रा जो थी वो ज्यादा हो गई और बाहर से आने वाले क्वेश्चन बिल्कुल ही नेग्लिजिबल मात्रा में हो गए। तो इस संदर्भ में 2017 का पेपर आप उठाएंगे तो आप देखेंगे कि 65 से लेकर 70 क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी की पिकअप लाइंस थी, 12 से 15 क्वेश्चन इनडायरेक्टली रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे और 5 से लेकर 7 क्वेश्चन ही ऐसे थे जिनका एनसीईआरटी से कोई लेना देना नहीं था। इसीलिए जिन जिन जोन के अंदर सीबीएसई की बुक्स पढ़ाई जाती थी वहां उन बच्चों की कट ऑफ मार्क्स बहुत ज्यादा चली गई। क्या 2018 में भी ऐसा होगा? मेरा अपना मानना है क्योंकि कट ऑफ मार्क्स बहुत ज्यादा चली गई तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट क्वेश्चन की वेटेजेस ज्यादा होंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि एनसीईआरटी को पढ़ा ना जाए, क्योंकि एनसीईआरटी की वेटेज हमेशा से ही 40 और 50 क्वेश्चन की हमेशा ही रहेगी जो डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए गए। लेकिन जो 40 क्वेश्चन इनडायरेक्ट है या तो एनसीईआरटी में उसका जवाब है ही नहीं, ऐसे क्वेश्चनों की मात्रा 2018 में आने वाले नीट में कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि एनसीईआरटी को आप पढ़ते रहें, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस को नोट करते रहें, लेकिन साथ ही साथ दूसरी रेफरेंस बुक को, और ज्यादा रेफरेंस बुक नहीं लेनी है, एक ही रेफरेंस बुक को उठाकर उसमें से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते रहें। और कभी कभार ऐसा होगा कि क्वेश्चंस के आंसर ही डायरेक्टली आपको याद करने पड़ेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा मार्क करते चलें क्योंकि वो क्वेश्चन डायरेक्टली ही आएगा, उसके कॉन्सेप्चुअल पोर्शंस आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी बुक्स के अंदर नहीं मिलेंगे। आप डायरेक्टली उन क्वेश्चंस को रिलेट करें और उन क्वेश्चन के आंसर्स वैसे ही याद करने की कोशिश करें। तो 2018 की अगर मेरे से डिफिकल्टी इंडेक्स को पूछा जाएगा तो आई विल से कि मॉडरेट लेवल का पेपर आएगा जिसमें एनसीईआरटी में ऑलमोस्ट बायोलॉजी के पोर्शन में 40 से 50 ही क्वेश्चन डायरेक्ट होंगे, 30 से लेकर 35 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो इनडायरेक्टली रिलेट करते हों, और 5 से लेकर 15 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसके अंदर एनसीईआरटी में उसका आंसर ही अवेलेबल ना हो। इसलिए कहीं ना कहीं कोशिश करिए कि एनसीईआरटी के अलावा एक रेफरेंस बुक बनाइए और कोशिश करिए कि डेली बेसिस के ऊपर 50 क्वेश्चन बायोलॉजी के सॉल्व करना शुरू कर दें जिस भी चैप्टर या जिस भी टॉपिक को आप पढ़ते हैं। आप देखिएगा पूरे साल के अंदर जब तक आपका एग्जाम आएगा आप 7 से 8 हज़ार क्वेश्चन कर चुके होंगे और आप इतने कॉन्फिडेंट होंगे कि 2018 का नीट के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको पक्का से आंसर कर पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी आपके क्वेश्चंस हों उसको कमेंट की फॉर्म में लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उन सब क्वेरीज का जवाब दे पाऊं। धन्यवाद।